में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। सीबीआई की टीम ने तीन डॉक्टर को उठा लिया है। दानापुर एम्स से ये तीनों डॉक्टर को उठाया गया है, पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई ये टीम। तीनों डॉक्टर 2021 बैच के छात्र है। तीनों के रूम को सील कर दिया गया है। लैपटॉप मोबाइल जब्त किए गए हैं। करीब 9 घंटे तक तीनों से डॉक्टर से पूछताछ की गई है। हिरासत में लिया जा सकता है कई और लोगों को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट यूजी पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। तीन डॉक्टरों को उठाया गया है, तीनों के कमरों को सील कर दिया गया है, लैपटॉप और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है। सीबीआई की टीम ने तीनों को उठाया है और अब उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई बेहद अहम होने वाली है। 38 से भी ज्यादा याचिका पर सुनवाई होगी। अधिकांश याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग है। 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा हुई थी और बता दें आपको, इसके बाद काफी बवाल हुआ नीट पेपर लीक मामले को लेकर। तो आज सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। 38 से भी ज्यादा याचिका पर सुनवाई होगी और अधिकांश याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग है। 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा हुई थी। और पटना से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। कदमकुआं इलाके में भीषण आग लगी है। ज्ञान गंगा पुस्तक एजेंसी के पास ये आग लगी है। बगल वाली गली में भीषण आग लगी थी। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग। देर रात तक इलाके में हड़कंप मचता रहा। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। ज्ञान गंगा पुस्तक एजेंसी के पास आग लगी है। बगल वाली गली में यह भीषण अग्निकांड हुआ था। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद यह भीषण आग लगी। देर रात तक इलाके में हड़कंप मचता रहा। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं। कदमकुआं इलाके की यह पूरी घटना, जहां पर ज्ञान गंगा पुस्तक एजेंसी के पास अग्निकांड हुआ है। बगल वाली गली में अग्निकांड हुआ था, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और देखिए, पटना से एक बड़ी खबर है, जहां पर राजधानी को दहलाने की बड़ी साजिश को पटना पुलिस ने नाकाम कर दिया। पटना पुलिस ने दीघा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक मकान से बुलेट प्रूफ जैकेट, 35 जिंदा कारतूस, आर्मी की वर्दी जब्त की है। पुलिस ने बम बनाने का सामान भी जब्त किया है। कई आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए गए हैं। राजधानी पटना को दहलाने की साजिश नाकाम। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिला बम का सामान, 35 जिंदा कारतूस और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद। पटना के कुर्जी का रहने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार। राजधानी पटना को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। जब पुलिस ने दीघा थाना क्षेत्र में कार्रवाई की, तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ 35 जिंदा कारतूस और बुलेट प्रूफ जैकेट को भी बरामद कर लिया गया है। यहां तक कि कुर्जी का रहने वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। और भी बड़ी बात ये कि किसी मिथिलेश नाम के व्यक्ति को ये सामान दिए जाने थे। जानकारी नहीं था, जानकारी रहता था इसे होने देते, मार के भगा नहीं देते। जानकारी जब मिली तो आप लोग चौंक गए होंगे। वैसा आदमी था कि किसी से बात नहीं करता था, किसी से बात नहीं करता था, बात भी नहीं करता था किसी से नहीं। सोच कर बहुत ज्यादा ये लग रहा है, समझ गए ना। मान लीजिए कि रोज व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इतना सीधा है कि कोई कह नहीं, किसी से बात विचार भी नहीं किया। अचानक इतना बड़ा कान उसके मन में अंदर जो साजिश चल रहा था, मतलब क्या हम बताऊं, तो पूरा शॉक हो गया। फिर सवाल है कि कौन कर रहा था पटना को दहलाने की साजिश। पटना में आतंकी मॉड्यूल के कितने गुर्गे एक्टिव, क्या स्लीपर जोन बनती जा रही है राजधानी पटना, क्या आतंक का सॉफ्ट टारगेट बन रहा है बिहार। यह सवाल इसलिए क्योंकि सबने देखा है कि 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली में पीएम के सामने आतंकी हमला हुआ था, तब 6 लोगों की जान गई थी। सबने देखा है कि 14 जुलाई 2022 को पीएफआई का आतंकी पकड़ा गया था, जिनका उद्देश्य 2047 तक भारत को मुस्लिम देश बनाने का था। सबने देखा है कि कैसे ज्ञान की भूमि को आतंक की भूमि बनाने की नापाक कोशिश की जा रही थी। एक बार फिर आतंक के सामान का मिलना कुछ ऐसे ही इशारे कर रहा है।
समय रहते हुई इस छापेमारी ने आतंक के मंसूबे पर पानी तो जरूर फेर दिया है।